आज का जो मेनू है, आज सैटरडे है 8 जुलाई, और आज बना है पोहा और चाय, और इसमें हम ऊपर से गार्निश करेंगे ऑनियन से। लेमन यूज़ कर सकते हैं और ये रतलामी सेब ऊपर अच्छा रहता है। इसका आप डिश भी बना सकते हो, इसकी सब्जी भी बनती है टमाटो के साथ में। तो आज का मेनू यही है ब्रेकफास्ट का। गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं ये बाहर। इस बार हमारा गाड़ी खाली है, इस बार कुछ सामान नहीं है क्योंकि अभी हम लोग ऐसे नॉर्मल जा रहे हैं बाहर, तो इस बार खाली। आप देख सकते हैं बैक साइड पे, देखो कितना अच्छा वेदर है, एकदम ग्रीनरी है, स्काई भी इतनी ग्रीन है और अच्छा है। एवरीवन, तो अभी हम आ पहुँचे हैं नर्मदा नदी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, नर्मदा नदी का दर्शन करा देती हूँ। देखो जय माता दी, कितना बड़ा है यार पानी, वाह फैला हुआ है नदी पानी, मानसून की वजह से कितना बड़ा लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। ओम नमः शिवाय। और ये हाईवे है जो कि कितने अच्छे से बनाया गया है। तो अब हम चलते हैं भोपाल, देख सकते कि व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से पूरा, और यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे सीधा, तो हमको कहीं नहीं रुकना है, तो डायरेक्ट आप भोपाल पहुँच सकते हैं। इधर दिखाते हो कितना शानदार वेदर है, इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये है भोपाल रोड, और आप देख सकते हैं यहाँ से होशंगाबाद और भोपाल जाने का रास्ता है। यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, आप यहाँ से यहाँ तक पूरी माउंटेन है, और उस साइड में भी है, यहाँ से ट्रेन रूट भी जाता है, इस साइड इटारसी का भी ट्रेन रूट है। तो बहुत ही सुंदर बनाया गया है हाईवे यहाँ का। तो हम जैसे ही हाईवे कनेक्ट हुए तब हमारी गाड़ी और अच्छी चलने लगी है, और हम अच्छे से जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं भोपाल, और देखिए भोपाल में हमारे स्वागत के लिए कितनी सारी लाइटिंग लगी हुई है। थैंक यू भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मिल्क बॉईल हो रहा है, हम आधा लीटर गाय का दूध ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा, इसमें मलाई भी जमता है। यहाँ पर बन रहा है आलू गोभी की सब्ज़ी, बहुत सिंपल है, आप इसमें आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना, आप इसे फ्राई करके भी बना सकते हो। अगर फ्राई नहीं करना है तो अगर आप फ्रिज में रखते हो तो 10-15 मिनट पहले निकालो, ताकि गोभी जो कड़ी रहती है उसकी वजह से नरम जल्दी पकता नहीं है, सिझता नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा किचन टिप्स है, अगर आप जब भी गोभी बनाएं, एंड अगर चाहें तो आप फ्राई करके बना सकते हैं नॉर्मल, आलू को भी फ्राई कर लीजिए उसके बाद मसाला तैयार कीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरी गोभी बन रही है, और उसका लास्ट में आपको लोग दिखा दूँगी। तो हमारे यहाँ आ गया है हमारा अलमीरा, तो आप देख सकते हो ये, तो अभी न्यू मतलब जो चल रहा है आजकल इस टाइप का, ये टू डोर वाला, एंड नीचे भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। एंड मैं आपको अभी ओपन करके नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अभी सब मैसी है, बट इसका अगर आप लोगों को ब्लॉग चाहिए तो मैं ज़रूर अंदर का भी बताऊँगी किस तरीके से मैंने सामान को रखा है। तो ये रहा अलमीरा हमारा।